guys, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udaan. Last lecture में हमने output devices पढ़ा था, जिसमें हमने monitor पढ़ा था. आज हम next करेंगे device printer पढ़ेंगे और बाकी plotter, speaker, headphones ये सारे हम पढ़ेंगे और आज हम output devices को complete कर देंगे. ठीक है, आज आपका यहाँ पे complete हो जाएगा. अब हमने आज स्टार्ट करना है प्रिंटर से, तो प्रिंटर से स्टार्ट करते हैं. देखिए प्रिंटर मोस्टली सबने देखा होगा, क्योंकि आजकल हार्ड कॉपी पीडीएफ जो हम आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ दे रहे हैं, आप वो उसको फोटो स्टेट करवा रहे हैं या स्कैन प्रिंटर से निकलवा रहे हैं, फोटो स्टेट से निकाल रहे हैं या स्कैन करके निकाल रहे हैं, कलर की फॉर्म में निकाल रहे हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट की फॉर्म में निकाल रहे हैं, जैसे भी निकाल रहे हैं, तो प्रिंटर को सब जानते हैं कि प्रिंटर क्या चीज होती है, क्या करते हैं. ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रिंटर का कहाँ क्या रोल होता है, क्या करता है, कितने टाइप्स हैं उसके, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं जिनमें इम्पैक्ट से ही पता लगता है कि उनमें हैमर या सेटअप पिंस या उनको वो जब स्ट्राइक करते हैं इंक रिबन को साथ तब प्रिंट होते हैं. इस स्ट्राइक कोई इम्पैक्ट, किसी का इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है किसी के ऊपर तभी जाके प्रिंट हो रहा है, ये हो गया. उसके बाद दूसरा जो नॉन इम्पैक्ट हो गया, उसमें आप सिंपली पेज डालेंगे, उसमें किसी का इम्पैक्ट नहीं, सिंपली रिबन इंक, उसमें इंक होगी या टोनर होगा उससे आपका प्रिंट होगा. फिर हम पढ़ेंगे कि टोनर क्या होता है, इंक क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कार्ट्रिजेस किन में होते हैं, ये थोड़ा जितना भी होगा हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम प्रिंटर से. तो प्रिंटर आपको पता है प्रिंटर का क्या काम होता है. अब मैं स्टार्ट करता हूं कि आप देखिए प्रिंटर सिंपली क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट, जैसे आपकी कोई भी कॉपी, आपके कोई भी नोट्स हैं पीडीएफ, कोई भी अगर फॉर्म में किसी भी, या फिर आपकी इमेज आपने फोटो स्टेट में, कुछ भी ग्राफ हो या टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, ग्राफिक की फॉर्म में हो या टेक्स्ट की फॉर्म में हो, उसको क्या करना, प्रिंट आउट निकालना और आपको हार्ड कॉपी में देना. इसलिए जब वो प्रिंट आउट कर कंप्यूटर से कमांड देंगे, प्रिंट आउट निकल के आपके हाथ में जब हार्ड कॉपी आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसने आउटपुट दिया आपको इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी. ठीक है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि प्रिंटर का कहां पे क्या करेगा, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को क्या करेगा, कमांड देने पे वो बार आपको आउटपुट देगा, उसके निकाल के देगा. तो इसीलिए हम यहां से अब प्रिंटर, यहां पे डेफिनेशन भी, इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर. जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो चाहे टेक्स्चुअल फॉर्म में होगी या फिर ग्राफिकल फॉर्म में होगी, वो आपकी किसमें, ऑन द हार्ड कॉपी आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा. इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन कलर एज, वो कलर में भी प्रिंट आउट करेगा और किसमें प्रिंट निकाल के देगा, और ब्लैक एंड व्हाइट में भी, जैसे फोटो स्टेट हो गया या स्कैन करते हैं आप, दोनों को कलर में भी आता है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी आता है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गया, द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड. अब तीन चीजों में इसकी मेजर होती है, किसकी, स्पीड ऑफ प्रिंटर की, कि जो आपका प्रिंटर आपने उसको कमांड दिया है 10 पेजेस का, 20 पेजेस का, 50 पेजेस का, जितना भी कमांड है, वो कितनी जल्दी आपका प्रिंटर जो है उन सबको, जो सॉफ्ट कॉपी उसको हार्ड कॉपी में चेंज करे, प्रिंट आउट निकाल कर देगा, कितने जल्दी, वो डिपेंड करेगा उसकी स्पीड पे. स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, कैरेक्टर, तीन चीजों पे, एक कैरेक्टर पर सेकंड में, उसके बाद लाइंस पर मिनट में और पेजेस पर मिनट में. कैरेक्टर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है. लाइंस पर मिनट में मतलब एक मिनट में वो कितनी लाइंस को प्रिंट कर रहा है. और थर्ड क्या आ गया, पेजेस पर मिनट में, मतलब एक मिनट में कितने पेजे. ऑब्वियसली हमें यहां से पता लग रहा है जो सबसे ज्यादा, उस प्रिंटर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी जो पेजेस पर मिनट में सबसे ज्यादा करेगा. ऑब्वियसली उसकी कैरेक्टर्स पर सेकंड में जो कर रहा है वो लेट करेगा, लाइंस पर मिनट में जो कर रहा है वो भी, उसकी स्पीड भी स्लो होगी. ठीक है, इसीलिए क्या, ये तीन चीजों में इसकी स्पीड मेजर होगी. ठीक है, कैरेक्टर पर सेकंड में, लाइंस पर मिनट में और पेजेस पर मिनट में. ठीक है, यहां पे ये आपका कर, उसके बाद देखिए रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पता है आपको, क्लैरिटी. ठीक है, उस प्रिंट आउट की क्लैरिटी देखिए. अब नॉन इंपैक्ट जो प्रिंटर्स होते हैं हम पढ़ेंगे इनफैक्ट आगे, जो डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, उनकी जो जो नॉर्मली टाइप जिनका इंपैक्ट, मतलब जो आप बाहर जब एफिडेविट वगैरह कुछ करवाते हैं जो टाइप होते हैं वो इंपैक्ट हो, नॉन इंपैक्ट हो गए, उनमें क्या उनकी जो क्लैरिटी होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, कम क्लैरिटी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू इंपैक्ट प्रिंटर्स के, इंपैक्ट प्रिंटर जिसकी आप जो आप जो आपके ये नोट्स होते हैं इनको क्या करते हैं आप, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी निकालते हैं. ठीक है, उनकी क्या होती है, क्लैरिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के. ठीक है, इसलिए रेजोल्यूशन डिपेंड करता है कि क्लैरिटी किस पे मेजर की जाती है, इसकी डॉट्स पर इंच पे, डीपीआई,
ठीक है, किस पे जितने पर इंच में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन, उतनी ज्यादा उसकी क्लैरिटी, उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, जितने कम होंगे उतनी ज्यादा वो चीप होगा, उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा कम होगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया, आपने प्रिंटर समझ लिया इतना थोड़ा बहुत हेडिंग की। उसके बाद देखिए, प्रिंटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरी। अभी बताया मैंने आपको इंपैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होंगे, जिनमें हैमर का या सेटअप पिंस का या इंक रिबन का यूज होता है, उनको क्या बोलेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स में शोर आता है, नॉइस होती है, क्वालिटी उसकी चीप होती है, उसके बाद वो लेस कॉस्टली होते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें वो चलो देखते हैं आगे। और नॉन इंपैक्ट में क्या आ जाएगा, उनकी जो एक्सपेंसिव होते हैं वो, प्लस उनकी क्वालिटी हाई रहती है, उसके बाद वो नॉइसलेस होते हैं, ऐसी कुछ चीजें आएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से, इंपैक्ट प्रिंटर से। इंपैक्ट प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स व्हिच वर्क्स बाय क्रिएटिंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ इंक रिबन, देखिए जिसकी बात में कर रहा था, इंक रिबन और पेपर की, ये कह रहे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया कि इंक एक हैमर होगा या फिर पिंस होंगी, वो स्ट्राइक करेंगी इंक रिबन को। इंक्ड रिबन का मतलब हो गया एक रिबन जो इंक से भरी हुई है, ठीक है, उसको जब वो हैमर या सेट ऑफ पिंस उसको स्ट्राइक करेंगी, वो आगे जब पेपर को जाकर स्ट्राइक करेगा, जो भी आपने प्रिंट करना है वो पेपर में प्रिंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका आ रहा है, ये हैमर था, ये रिबन था, और ये साथ में पेपर था, रिबन और पेपर का जहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वहां पे वो कौन सा होता है, इंपैक्ट प्रिंटर आ गया। दीज प्रिंटर्स आर नॉइजी, जैसे आप एफिडेविट जो अगर आप जाए देखें तो कहीं पे भी अगर आप खास करके आजकल ये भी कम हो गया, आजकल ज्यादातर कंप्यूटर में ही एफिडेविट बन रहे हैं क्योंकि ई स्टैंपिंग हो रही है, एफिडेविट वहीं से टाइप होते हैं, बट कुछ आज भी करवाते हैं जो बाहर बैठे होते हैं टाइपर टाइपिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कितनी ज्यादा नॉइस होती है, ठीक है, नॉइस बहुत ज्यादा होती है, येट पॉपुलर नॉइस भी होती है, लेकिन देखेंगे आज भी उनसे टाइप किया जाता है, आज भी अगर आप एफिडेविट अगर कुछ बनवाते हैं तो आज भी वहां से भी टाइप होते हैं, ठीक है, कोर्ट के काम काफी ज्यादा उनमें होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो चीप होते हैं, सबसे पहली बात, क्योंकि उनकी जो प्राइस जो कॉस्ट है उनकी वो लेस होती है कंपेरेटिवली किसके, इंपैक्ट प्रिंटर्स के, इसलिए वो यूज होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर्स हैव मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स टू कंडक्ट प्रिंटिंग, ठीक है, आप उसको मैकेनिकली मूव करेंगे और वो क्या करता रहेगा, प्रिंट निकालता रहेगा। एग्जांपल्स में कौन सा आ गया, डॉट मैट्रिक्स आ गया, डेजी व्हील आ गया, उसके बाद लाइन प्रिंटर आ गया, ड्रम प्रिंटर आ गया, ठीक है, ये अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए ये टाइपिंग ये यहां पे दिया हुआ है, आप इसको टाइप यहाँ पे टाइप करते रहेंगे, ये रिबन होती थी, ये पूरी मूव करती थी, फिर पेज आपका इस तरफ जाता, पेज सॉरी इधर आता था, ये जो पीछे ड्रम टाइप का ये पूरा मूव होता था, उसके बाद ये फिर वापस उसको घुमाकर इस साइड वापस लाते थे, फिर टाइप करते थे, ठीक है, यही हो गया इसमें नॉइज पे। अब स्टार्ट करते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, ठीक है, everyone and welcome to Wings Ek Udaan. There is an important announcement for all the PSC assistant registrar aspirants. Wings aap liye leke aaya hai mentoring cum coaching course. Yani jo bhi bachcha hamara course subscribe karega usko ek mentor ke through guide kiya jayega. Guys, mentoring ka matlab ki aapko ek particular faculty member properly guide karta rahega throughout the preparation. Uske sath sath video course, study material, MCQ sessions all will be included in this course. Guys, faculty members सारे वही होंगे जो PSC और UPSC के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। अब देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वो होते हैं, आप अगर देखेंगे ये प्रिंटर कहाँ पे लगे, ये अगर आप बैंक में भी जाते हैं ना तो जब स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है तब भी ये वहां पे लगते हैं। वहां पे अगर आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए या कभी भी स्टेटमेंट कुछ भी स्टेटमेंट मंथ की चाहिए, टू मंथ्स की चाहिए, वो स्टेटमेंट देते हैं ना, उन्होंने क्या किया होता है, प्रिंटर रखा होता है ड्रम का आगे सा, रिबन ऐसे मूव करता रहता है और नीचे पेपर रखे होते हैं, ठीक है, वो डॉट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। देखिए इसको एक्चुअली डॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ना सेटअप पिंस होती है,
ठीक है, वो जो रिबन होता है ना, रिबन से पहले एक सेट ऑफ पिंस होती है जो डॉट से मिलकर बना होता है, ठीक है, प्रिंटर बना होता है, इसलिए इसको डॉट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस पिंस। ठीक है, ये क्या करता है, पिंस को यूज करके इंपैकिंग एंड इंक रिबन टू प्रिंट। ठीक है, वो क्या करेगा, मैंने वही बोला सेट ऑफ पिंस होती है, वो किस पे इंपैक्ट करेगा, रिबन पे करेगा, और वो क्या हो जाएगा, उसका प्रिंट हो जाएगा। जितने ज्यादा पिन होंगे, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर आप देखें वो कभी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी होती है बट कंपैरेटिवली इंपैक्ट के, सॉरी नॉन इंपैक्ट के, उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती उन प्रिंटर्स की जितनी नॉन इंपैक्ट की होती है। ठीक है, दीज प्रिंटर्स आर जनरली कंसिडर्ड आउटडेटेड, ठीक है, एज दे कैन नॉट क्रिएट हाई क्वालिटी प्रिंटर एंड आर कॉस्टली एज वेल। ये कॉस्टली भी होते हैं और साथ में ये हाई क्वालिटी भी नहीं होती है, इसलिए इनको आउटडेटेड कहा जाता है। दे हैव अ सर्टेन स्पेशलिटी दैट अदर प्रिंटर लाइक लेजर प्रिंटर्स डू नॉट हैव। इनमें कुछ ऐसी क्या होती है, इंपैक्ट प्रिंटर फ्रॉम देयर और कैन बी यूज्ड टू मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ टेक्स्ट एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ कार्बन कॉपी। आप क्या कर सकते हैं, एक और इसमें चीज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इनमें पिंस का यूज किया जाता है, आप पेज डालेंगे, कार्बन कॉपी रखें, नीचे पेज डालें, उसके नीचे कार्बन कॉपी रखें, जैसे आप जितने पेजेस करेंगे इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल कॉपीज एक ही बार टाइप करने पे वो जो फर्स्ट पेज में प्रिंट होगा वो मल्टीपल पेजेस में प्रिंट हो जाएगा, जो बाकी इंक जेट में नहीं होता। इंक जेट पढ़ते हैं हम आगे कौन सा होता है, और लेजर प्रिंटर में नहीं होता, ठीक है, वो इनमें होता है। ये इनकी एक क्वालिटी होती है, ठीक है, कि मल्टीपल कॉपीज आप एक ही टाइम में निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे आर मोस्टली यूज्ड इन प्लेसेस वेयर मल्टी पार्ट फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। ए डॉट मैट्रिक्स आल्सो नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, इंपैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्या बोला जाता है, इंपैक्ट मैट्रिक्स, बस डॉट की जगह इंपैक्ट डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड आ गया डेजी व्हील। देखिए जो डेजी व्हील है ना, ये फ्लावर होता है, एक डेजी फ्लावर, ठीक है, वो फ्लावर कैसा होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके, उसके बीच में यहाँ पे ऐसे और पेटल्स होते हैं उसके, ये ऐसे ऐसे, मतलब चारों तरफ पेटल्स होते हैं उसके, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है ये सेंटर में, और सॉरी येलो का होता है और ये व्हाइट कलर का होता है, ये ऐसे पेटल्स, इनको डेजी बोला जाता है, डेजी फ्लावर से इसका नाम पड़ा हुआ है, डेजी व्हील। ये व्हील टाइप का है ना, ये ऐसे, अगर आप इसको देखेंगे व्हील टाइप का है, व्हील मतलब चक, जो टायर हो गया, ठीक है, वैसा हो गया। अब ये क्या, इसका क्या काम, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, ऐसे प्रिंटर बनाया होता है, इसको इस फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, स्टिक्स टाइप की रखी होती है, जिनमें हर एक स्टिक में पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर होता, कैरेक्टर होगा, ठीक है, और वहां पे ना वो कैरेक्टर जो होगा ना, एक होता है आप किसी शीट को टच करते हो बिल्कुल फील ही नहीं होता क्या होता है, एक कुछ चीज ऐसी कैरेक्टर ऐसा हो जो बिल्कुल उठा हो, ठीक है, मतलब आप उसको टच करें वो फील हो कैरेक्टर, सिर्फ फील ही नहीं टच भी होता है जिसको, उस तरह का इसके ऊपर मार्क बना होता है। जैसे ये एक, अगर यहाँ पे ये स्टिक टाइप का, तो इसके ऊपर ऐसे स्टिक टाइप का ये कैरेक्टर लिखा होगा, ऐसे बना होगा इसका कुछ पार्ट, यहाँ पे कैरेक्टर लिखा होगा, मतलब ऊपर बिल्कुल ऊपर ऊपर फ्लोर में, आपको इसको टच कर सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर माउंटेड फॉर्म में होता है, माउंटेड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसके बिल्कुल फिक्स नहीं होते इसके ऊपर। अब क्या करते हैं, यहां पे ना ये व्हील ऐसे होता है और यहां पे पेपर होता है, ऐसे पेपर होता है, और ये व्हील ऐसे मूव करता है, इसके साथ पीछे इंक रिबन होती है, ये ऐसे मूव करता रहता है, और ये साथ में व्हील ऐसे पूरा भी मूव करता रहता है, ये आगे पीछे मूव, तो जो भी आपने प्रिंट दिया किसी भी कोई भी कैरेक्टर का, आपने कमांड दिया जो भी कंप्यूटर, वो पर्टिकुलर इस यहां पे ये रुक जाएगा, सपोज यहां पे ए है, यहां पे ए है और ए टाइप करना है, वो यहां पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा और यहां से पीछे हैमर इसको स्ट्राइक करेगा ए को, और ये ए प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह कैरेक्टर ये मूव करता रहेगा, वो स्ट्राइक होता रहेगा, जो जो पर्टिकुलर आपने कमांड दिए, जो जो टाइप करना है वो टाइप होता रहेगा, इस तरह टाइप होता है, ये होता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब इसको पढ़ लेते हैं। द प्रिंटर यूजेस अ मेटल और प्लास्टिक डिस्क कंटेनिंग ईच ऑफ द लेटर्स नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर इट सपोर्ट। ठीक है, व्हेन प्रिंटिंग द प्रिंटर रोटेट्स द डिस्क, वो जो डिस्क है उसको रोटेट करता है ईच कैरेक्टर एंड यूजिंग अ हैमर, हैमर को यूज करके स्ट्राइक, ईच कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर को स्ट्राइक करेगा इन टू अ इंक रिबन में करेगा टू क्रिएट कैरेक्टर्स ऑन पेपर। ठीक है, ये आपको समझ आया। दे हैव अ लो क्वालिटी प्रिंट आर वेरी स्लो एंड लाउड। देखिए ये जो नॉन इंपैक्ट, सॉरी इंपैक्ट प्रिंटर्स है ना, ये जो इनमें देखिए, ये तो सबसे मोस्टली कॉमन चीज है, एक ये नॉइस बहुत ज्यादा करते हैं, स्लो होते हैं क्योंकि मैकेनिकल काम कर रहे, कंप्यूटर कहां कमांड दे रहा है, वो दो मिनट में पेज निकाल देगा, लेकिन ये स्लो होते हैं,
नॉइज ज्यादा करते हैं और क्वालिटी इनकी कम होती है। ये तीन चीज तो सब में है ये कॉमन, ठीक है। रिप्लेस्ड बाय लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर तो आजकल के प्रिंटर जो हाई क्वालिटी प्रिंटर, इतने जबरदस्त इनकी स्पीड होती है एज दे कम डाउन इन द इन कॉस्ट, ठीक है। यहां तक आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर देखिए क्या होता है। A line printer is an impact printer which makes use of a continuous feed of paper and prints one line of text at a time. देखिए line printer के साथ ही आपको पता चल जाएगा क्या करता है ये character को type। देखिए इन बाकी सब में बाकी सारे क्या कर रहे थे, character type कर रहे थे, लेकिन line printer क्या कर रहा है, line printer ही है किसमें, impact printers में, जो क्या करता है पूरी line को एक बार में क्या करता है, type करता है, ठीक है। पूरी लाइन को क्या करता है, लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम, ठीक है। बाकी कैरेक्टर्स को टाइप कर रहे थे लेकिन ये लाइन को कर रहा था। ऑल्दो दे हैव बीन रिप्लेस्ड इन मोस्ट इंस्टेंसेस बाय हाई स्पीड लेजर, इसको तो इनको तो रिप्लेस करेंगे क्योंकि उनकी स्पीड जाहिर सी बात है ज्यादा है। आजकल हर कोई किसमें, स्पीड में भाग रहा है, जितनी ज्यादा जिस चीज की स्पीड है उसके पीछे है। दे आर स्टिल यूज्ड इन सम बिजनेस एंड दे आर वेरी लो इन कॉस्ट, ठीक है। कहां पे यूज किया जाता है, लो कॉस्ट में यूज किया जाता है। And have the ability to print on multiple part form, ठीक है। Inline printer is also known as bar printer. ये भी याद रखिएगा, ये important है कि इसको क्या बोला जाता है, bar printer भी बोला जाता है। अब next आ गया drum printer, ठीक है। अब देखिए line printer में ही दो आगे अगर आपके सब type में भी आता है, एक band printer आता है, एक chain printer आता है, ठीक है। अब band printer में कैसा होता है, ऐसा एक टाइप का ड्रम टाइप का ऐसे बैंड बना होता है, उसके आगे पेपर होता है, उस बैंड में क्या होता है, करेक्टर्स और सारे क्या होते हैं, पहले ही लिखे होते हैं वहां पे, और पेज रिवॉल्व करता है और पर्टिकुलर वो इंक के थ्रू क्या हो जाता है, उसमें स्ट्राइक करेगा पेपर में, स्ट्राइक करता रहेगा और वो सारे पेपर में टाइप होते रहेंगे। ये होता है बैंड प्रिंटर भी क्या होता है, लाइन प्रिंटर। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखिए, बीच में अगर कहीं पे बैंड प्रिंटर उठ कर आ गया आपको, आप सोचोगे कि हमने पढ़ाई नहीं की है। बैंड प्रिंटर क्या हो जाएगा, वो भी आउटपुट डिवाइस में ही आएगा। और चेन प्रिंटर में क्या हो जाएगा, ये ऐसे चेन टाइप का होगा और यहाँ पे बीच में पेपर होगा, ये मूव करेंगे, इस चेन में करेक्टर्स होंगे और टाइप होते रहेंगे। आपको इनका मैकेनिज्म जानकर कुछ नहीं फायदा, ठीक है, ये बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म में कुछ मैकेनिज्म के रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिंपली आएगा आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस, ठीक है। और कुछ बेसिक जैसे ये बार प्रिंटर बोला जाता है इनको, ठीक है, स्पीड किसमें है, रेजोल्यूशन क्या है, उस हिसाब से, ठीक है। अब ड्रम प्रिंटर क्या आ गया, एन ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी दैट यूजेस फॉर्म्ड कैरेक्टर इमेजेस अराउंड अ सर्कुलर ड्रम एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म। ये लाइन प्रिंटर की तरह ही लगा लो, जिसमें ड्रम का यूज किया जाता था, उसमें फिर बने डिजायर्ड कैरेक्टर फॉर द सिलेक्टेड पोजीशन रोटेट अराउंड द हैमर लाइन, द हैमर हिट द पेपर। बात वही है, हैमर सेट ऑफ पिंस, इंक रिबन और पेपर, ठीक है। किसमें, ये आ गया इंपैक्ट प्रिंटर्स में, यही चीजें होंगी। हैमर या सेट ऑफ पिंस स्ट्राइक करेंगे किसको, इंक रिबन को। इंक रिबन किसको स्ट्राइक करेगी, पेपर को, वो चाहे पीछे ड्रम हो, लाइन हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, प्रिंट होकर निकलेगा, ठीक है। यहां पे आपके कंप्लीट होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, सिर्फ इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आ गया नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट में क्या हो गया, एक जिनकी क्वालिटी हाई होती है, ठीक है, कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं कहें, या फिर और साथ में जिनकी स्पीड भी फास्ट होती है, किससे, इंपैक्ट प्रिंटर से ज्यादा, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म एंड द पेपर। कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, वो सिंपली आप उसको पेज को रखेंगे, वो शटर डाउन करेंगे और वो उसको लेजर के थ्रू क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। देखिए आजकल क्या करते हैं, अगर आपने कभी कोई बुक लेकर जाए, अगर आप काफी सारे पेजेस लेकर जाए प्रिंट करवाने के लिए, तो जब आप जाते हैं वो क्या करता है, वो सिंपली क्या करेगा, वो बुक ऐसे खोलेगा, वो देखेगा अच्छा 20 पेजेस हैं, पहले रखेगा वन पेपर, फिर निकालेगा, फिर दूसरा, तीसरा, आहिस्ता आहिस्ता पेजेस निकल रहे हैं, लेकिन वो पहले ही क्या करेगा, बुक को रखता रहेगा, उठाएगा और उसको क्या करेगा, स्कैन करवाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो वो स्कैन पहले करवा रहा है, स्कैन करवाने से क्या हो रहा है, लेजर उसको स्कैन करके उस पेज को स्टोर कर रहा है मेमोरी में। लेजर में ये होता है, उस पेज को मेमोरी में स्टोर करता है और फिर उसका प्रिंट आउट निकलता रहता है। ये चीज होती है, मतलब लेजर प्रिंटर में क्या होता है, मेमोरी भी होती है जो क्या करती है, उन पेजेस को स्टोर करती है, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स आर नाउ मोस्ट कॉमन एज दे आर फास्टर एंड क्वाइटर देन इंपैक्ट प्रिंटर, फॉर एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर, स्प्रे टेन, चलो ये पढ़ेंगे,
ये तो हमने पढ़ने ही, इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं इसमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंकजेट, सबसे पहले आ गए इंकजेट प्रिंटर। अब देखिए मैं आपको इंकजेट प्रिंटर बताता हूँ क्या होता है, पहले थोड़ा मैं उसका ओवरव्यू दे दूं कि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है। देखिए इंक का यूज, हाँ सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि टोनर क्या होता है और इंकजेट क्या होता है, सॉरी इंक क्या होता है, टोनर एंड इंक। अब देखिए टोनर जो होता है ना वो पाउडर फॉर्म में होता है और जो इंक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये जो टोनर है कुछ भी केमिकल से मिलके बना होगा, कुछ स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल से मिलके क्या बना होता है, ये टोनर बना होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, आप देखें अगर तो फोटोस्टेट की मशीन में जब अगर जाते हैं, वो मशीन जो होती है कई बार वो खराब हो जाती है, वहां पे पेपर फंस जाता है, जब उस मशीन को निकालते हैं अंदर से ब्लैक कलर का टोनर निकलता है, वहां पे लिक्विड का यूज नहीं होता, वो टोनर का यूज करते हैं, ठीक है। और इंक कहां पे यूज करते हैं, जब आप स्कैन करते हैं या फिर प्रिंटर में भी यूज होता है, इंक का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब स्कैन करते हैं वहां पे इंक जेट्स कार्ट्रिजेस बोलते हैं बॉक्स को, जिन बॉक्स में इंक पड़ी होती है, जैसे ये येलो पड़ी होती है, ठीक है, मैजेंटा पड़ी होती है, ब्लैक पड़ी होती है, इस तरह की, इनको कार्ट्रिजेस बोलते हैं जिसमें इंक पड़ी होती है, ठीक है, जिस बॉक्स में। अब एक उसमें क्या होता है, इस टोनर में इसमें सिंगल कार्ट्रिज होता है और इंक में जो वो जो स्कैन कर रहे होते हैं उसमें मल्टीपल कार्ट्रिजेस, चार कार्ट्रिजेस होते हैं उनमें, ठीक है। वेलकम, अब ये हो गया गाइस, JKPSI की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू कर दें, और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन SI कोर्स, मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा, और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज ए फाउंडर ऑफ RS अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को देखें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स एक्सेस मिल जाए, और अकाउंट्स के न्यूली एडिट टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप, उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब ये हो गया टोनर और इसमें। अब देखिए इंक का क्या काम आता है, इंक जेट में क्या होता है, वो पेपर के ऊपर ना जब आप स्कैन करते हो ना, जब पेपर देखिए सबसे पहले अंदर मूव करता है, उसके बाद एक अंदर रोटेटर होता है जिसे मूव करके वो वापस रोटेट होके ऊपर आता है, उसमें उसके ऊपर एक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे नोजल्स बने होते हैं, ठीक है। उन नोजल्स के थ्रू क्या होती है, इंक ड्रॉप होती है उस पेपर के ऊपर, फिर वो क्या होता है, प्रिंट आउट निकल कर आता है, ठीक है। बाकी बीच में और भी मैकेनिज्म है, आपको कह रहा हूँ मैकेनिज्म में आपका कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक, कि उस नोजल से क्या होता है, इंक ड्रॉप होती है, इंक जब ड्रॉप होती है पेपर के ऊपर तो उससे थ्रू प्रिंट निकल जाता है, मतलब इंक स्प्रे हो रही है, ठीक है। बस यहाँ पे इंक जेट में प्रिंटर में इतना याद रखिए कि इंक का स्प्रे करते हैं, ठीक है। आर ए कैटेगरी ऑफ प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इंक जेट टेक्नोलॉजी विच वर्क्स बाय स्प्रेइंग आयनाइज्ड इंक डायरेक्टेड बाय मैग्नेटिक प्लेट्स। अब देखिए मैग्नेटिक प्लेट्स का यूज करके onto the paper which is fed through the printer. ये magnetic plates को use करना, lasers को use करना, charge particles को use करना, magnetic fields को use करना, ये आप थोड़ा थोड़ा समझे, ज्यादा deep में जरूरत नहीं है, ठीक है। As inkjet printers are more affordable than other type of printers, they are commonly used as home and business printer. आपने देखा इनको तकरीबन हर जगह में, also known as inkjets, ठीक है, inkjets भी बोला जाता है इनको, ठीक है। यहां पे ये होता है इंकजेट प्रिंटर। अब देखिए थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं, थर्मल प्रिंटर वो प्रिंटर, देखिए थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, ये छोटे छोटे ये रिसिप्ट में काम आते हैं, आपको रिसिप्ट चाहिए ना, अगर कोई रिसिप्ट जो आप लेते हैं जाकर, अगर पेट्रोल पंप में जो आप रिसिप्ट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मॉल में जाते हैं जो उसके बाद कट के जो आपका, इनफैक्ट जो आप पेमेंट करते हैं उसके बाद जो रिसिप्ट आती है, वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। ये कॉस्टली ज्यादा नहीं होते,
ठीक है 3,000 to 7,000 तक इनके बीच में या फिर थोड़ा और ज्यादा अराउंड इसकी ही इनकी कॉस्ट होती है। ठीक है, अब देखिए थर्मल का मतलब तो आपको पता है हीट होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पेपर होता है ना वो हीट सेंसिटिव पेपर होता है। ठीक है, हीट सेंसिटिव पेपर होता है, उसके ऊपर एक केमिकल होता है। जब वो जो पेपर होता है उसमें पता आपको अलग टाइप के रोल्स होते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव से रोल्स होते हैं। वो उसके बीच में इनपुट देते हैं, जब हम डालते हैं उसको इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है फिर उसके बाद, जब हमने उसको कमांड दी और आउटपुट आने वाली है जब, तब क्या होता है उनमें थर्मल प्रिंटर्स में पिंस होते हैं जो हीट से गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से क्या होता है वो जाके उस पेपर को टच करेंगे और उस पेपर के ऊपर जो केमिकल होता है ना वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर ही प्रिंट हो जाता है। ये होता है थर्मल प्रिंटिंग का। जो पेपर होता है वो हीट सेंसिटिव पेपर होता है, ठीक है, उसमें केमिकल की कोटिंग होती है ऊपर, पिन हीट होते हैं, वो उसको टच करते हैं जाकर स्ट्राइक करते हैं तो वो मेल्ट होकर क्या होता है प्रिंट होता है। और देखिए उसकी आप देखेंगे तो उसकी क्वालिटी भी बड़ी लो होती है और वो थोड़े दिनों के बाद फेड भी होना शुरू हो जाता है, फेड मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये था, अब पढ़ लेते हैं। प्रिंटर से प्रिंटर दैट मेक्स यूज ऑफ ए हीट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इमेज ऑन, ठीक है, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रिंट स्पीड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर एंड इज मोस्टली यूज्ड इन एयरलाइन बैंकिंग एंटरटेनमेंट रिटेल ग्रोसरी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हर जगह में जहां पे आपको रिसिप्ट चाहिए वहां पे क्या होता है थर्मल प्रिंटर का जरूरत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, थर्मल प्रिंटर डज नॉट मेक यूज ऑफ इंक और टोनर। वो किसको यूज, ना ही टोनर को यूज करता ना ही इंक को। वो क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि वो पेपर जो होता है वो हीट सेंसिटिव को यूज करता है। प्रिंटर फॉर्म्स बट लार्जली डिपेंड्स ऑन थर्मल पेपर्स फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका। अब देखिए लेजर प्रिंटिंग तो हमने सबसे ज्यादा इनफैक्ट यूज करते हैं, जो लेजर प्रिंटिंग जो आप फोटोस्टेट करते हैं वो लेजर प्रिंटिंग होती है, जिसके नीचे से लेजर निकलती है, लाइट निकलती है और उसको स्टोर करती है और उसको प्रिंट करती है। ठीक है, उसमें टोनर का यूज होता है, लेजर प्रिंटिंग में टोनर का यूज होता है, इसमें टोनर का यूज होता है। और इंक प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में किसका यूज होता है, इंक्स का यूज होता है। ठीक है, इसमें टोनर का यूज होता है। वन टाइप ऑफ टोनर मतलब एक सिंगल कार्ट्रिज भी होता है, मल्टीपल कार्ट्रिजेस भी होता है। अगर आपको ये भी पता है ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे तो कम कॉस्ट कम होती है, अगर कलर में लेंगे तो कॉस्ट ज्यादा होती है। इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस अ लेजर एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंटिंग ऑफ इंक ऑन टू पेपर हैव इंक्रीज्ड इन नीटनेस एंड सैटिस्फैक्शन। ठीक है, बस इतना याद रखिए, ये यहाँ पे 1200 डॉट्स पर इंच नहीं, इसको 1200 लिखेगा, इससे और इससे ज्यादा इंच होते हैं इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर प्रिंटर की रेजोल्यूशन देखनी है, मतलब उसकी क्लैरिटी देखनी है, किस पे डिपेंड करती है, डॉट्स पर इंच पे। पर इंच में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्लैरिटी होगी, इसलिए 1200 से ज्यादा होती है, 1600 ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, यहां पे आ गया। अब नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, फील्ड्स का यूज करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल वहां पे यूज करके इलेक्ट्रो, अगर आपने साइंस पढ़ी है 11th 12th में तो आपको फिजिक्स वहां पे पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, उसमें यूज करके करते प्रिंट करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां पे चार्ज पार्टिकल्स का प्लस माइनस का चार्ज पार्टिकल्स का यूज करके आपके करते प्रिंट करते हैं। बाकी थ्योरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा, इसको खुद रीड कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब यहां पे हमारा प्रिंटर खत्म हो जाते हैं दोनों। ठीक है, सारे एक इंपैक्ट भी नॉन इंपैक्ट भी और मॉनिटर भी, ये हमारे प्रिंटर दोनों पार्ट हमारे आउटपुट डिवाइसेस के कंप्लीट हुए, ये मेजर पार्ट थे, दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी छोटे छोटे वो आज हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया प्लॉटर। अब देखिए प्लॉटर का कहां काम आता है, देखिए पहले तो एक जो आप प्रिंट कर रहे हैं निकाल रहे हैं छोटे साइज में A4 साइज के पेपर में या उससे बड़ा थोड़ा बहुत जो भी हो गया, उनमें तो वो आप थ्रू स्कैनर थ्रू फोटोस्टेट मशीन आप निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। लेकिन जो आप बैनर देखते हैं, जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं आपने किसी भी, जिसमें आप मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग बिजनेस जो मार्केटिंग करते हैं या फिर इंस्टीट्यूट करते हैं, जो भी मार्केट होर्डिंग्स देखते हैं, किसी का ब्रांड देखते हैं, वो कहां से प्रिंट होकर निकलते हैं। ठीक है, वो प्रिंट करती है प्लॉटर मशीन। ये 3 बार T पढ़ के डबल T है। ठीक है, प्लॉटर मशीन क्या करती है, ये भी बिल्कुल प्रिंट का ही काम करती है, लेकिन ये सिर्फ बड़े साइज के लिए काम करती है। जितने बहुत बड़े साइज के जितने बड़े बैनर्स हो वो किसके थ्रू निकलते हैं, प्लॉटर्स के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्लॉटर्स क्या होता है। इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक अ प्रिंटर। ये कैसे होता है प्रिंटर, क्यों, क्योंकि प्रिंटर की तरह ही तो काम करता है ये। ठीक है, इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स,
जिसमें आप सीनरी कोई इमेज होगी कुछ भी, आपने देखे बड़े बड़े ऑडियंस कितने इमेजेस होती हैं, ग्राफ्स होते हैं अलग अलग तरीके, कुछ भी हो प्रिंट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टोनर प्लॉटर्स यूज अ पेन पेंसिल मार्कर। अब देखिए इसमें क्या करता है, ये टोनर को यूज नहीं करता, ये पेन या पेंसिल या मार्कर वो एक आगे किसी मशीनरी होगी वहां पे फिट होता है, उसके थ्रू वो प्रिंट होता है, उसके थ्रू वो सारा जो भी आपने प्रिंट करना वो उस पेन उसके थ्रू प्रिंट होकर फिर वो आपका प्रिंटिंग होकर बाहर निकलता है। ठीक है, राइटिंग टूल टू ये आ गया यहां पे। अब देखिए मैंने आपको पीछे आपको प्रिंटर में शायद ये चीज नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें ऐसी बोल भी दी है जो लिखी नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा उनको लिख लीजिएगा खुद भी। ठीक है, अब देखिए जो इंपैक्ट प्रिंटर्स है ना उनकी जो स्पीड होती है वो किस में होती है, कैरेक्टर्स पर सेकंड में होती है, सिर्फ एक प्रिंटर को छोड़ के लाइन प्रिंटर को, क्योंकि लाइन प्रिंटर में क्या करता है एक टाइम में वो लाइन को लिखता है, तो सिर्फ लाइन पर मिनट हो जाएगी उसकी। ठीक है, और नॉन इंपैक्ट में क्या हो जाता है, नॉन इंपैक्ट में सारू की क्या हो जाएगी, पेजेस पर मिनट में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार आप पेज डालते हैं वो सारू को क्या करेगा पूरे पेज को स्कैन करके आपका प्रिंट निकालता है। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में पेज पर सेकंड, इंपैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर पर सेकंड, बाकी सब की एक्सेप्ट छोड़ के लाइन प्रिंटर को उसके लाइन पर सेकंड है, लाइन पर मिनट है। ठीक है, राइटिंग टूल टू ड्रॉ मल्टीपल कंटिन्यूस लाइंस ऑन टू पेपर रादर देन द सीरीज ऑफ डॉट्स लाइक। अब देखिए जो ऊपर हमने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स जैसे पढ़ा उसमें क्या डॉट का यूज करके बनता था, यहाँ पे क्या करता है लाइन, ये क्या करता है जब प्लॉटर अगर इतनी विड्थ है ना, इतनी विड्थ है उसकी, वो क्या करेगा उसको पूरे लाइन के हिसाब से पूरा लाइन करेगा उसको, मतलब लाइन पे उसकी इमेज निकालेगा पूरे, वो डॉट्स पे नहीं निकालता। ठीक है, वो पूरी एक लाइन 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 टू लाइन करके क्या करेगा वो पूरा प्रिंट करेगा उसको। ठीक है, लाइन टू लाइन वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाइंस ऑन टू अ पेपर रादर देन अ सीरीज ऑफ डॉट्स लाइक अ ट्रेडिशनल प्रिंटर। कंटिन्यूस लाइन, कंटिन्यू लाइन के साथ आप ड्रॉ करते रहेंगे तो वो क्या करेगा वो प्रिंट निकल कर आ जाएगा। दो वंस वाइडली यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब आपको पता है ये बड़े बड़े कहां पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ब्लू प्रिंट्स निकालने अपने आर्किटेक्ट कैड में यूज होते हैं, उसके बाद रेलवेज में कोई मशीनरी में बड़े बड़े प्लांट्स हो गए। ठीक है, उन सब में क्या होता है इनका प्लॉटर का यूज किया जाता है, जहां पे बड़े बड़े आपको निकाल के ड्रॉइंग्स निकाल के आपको वहां पे एनालाइज किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है, मोर ऑर लेस प्लेस्ड बाय वाइड फॉर्मेट प्रिंटर प्लॉटर्स प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ सिस्टमैटिक एंड अदर सिमिलर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ये ऐसा प्लॉटर है, देखिए यहाँ पे तो आपको छोटा दिख रहा होगा बट ये इमेज आ गई, इसको लाइन टू लाइन ड्रॉ करेगा वो, लाइन टू लाइन ड्रॉ करेगा, याद रखिएगा लाइन प्लॉटर लाइन टू लाइन ड्रॉ करता है, लाइन टू लाइन। ठीक है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पेज पेन का यूज करेगा ये याद रखिएगा, पेन पेंसिल मार्कर का यूज करता है ऐसे लाइन, ये मेरी फिर दूर है बिल्कुल क्लोज, ऐसे ही लाइन बनाएगा वो, तो उसी में इमेज आपकी क्रिएट होती जाएगी, उसी में आपका टेक्स्ट लिखता जाएगा लाइन टू लाइन पे। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट, यहां पे एडवांटेजेस क्या है, प्लॉटर कैन वर्क ऑन वेरी लार्ज शीट ऑफ पेपर व्हाइल मेंटेनिंग हाई, जितना मर्जी वो बड़े पेज में करें लेकिन फिर भी उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है बहुत हाई होती है। ठीक है, They can print on a wide variety of flat materials include plywood में आप निकालना चाहें, aluminium में, aluminium sheet में, steel में, cardboard में, plastic में, इन सब में जो designs निकलते हैं वो किसकी use से निकलता है, plotter की मदद से होता है। ठीक है, allow the same pattern to be drawn thousands of times without any image degradation, वो उसको multiple times image की quality को वो गिराएगा नहीं, इतनी ज्यादा quality रखेगा जितनी मर्जी बार उसको आप क्या कर लो प्रिंट निकलवा लो। Disadvantages of plotter, plotters are quite large compared to traditional, बहुत ज्यादा होता है आप उसको रखने के लिए, अगर बड़ा ज्यादा यूज करें काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, एक ये disadvantage है, और एक्सपेंसिव होता है than a traditional। आपने देखा प्रिंटर तो हम घर पे भी लेकर रखते हैं, ठीक है, लेकिन आपने प्लॉटर कभी किसी के घर पे रखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, प्रिंटर मिलेगा, एक तो प्लॉटर का जाहिर सी बात है हमें जरूरत भी नहीं है, हमने थोड़ी कोई एडवर्टीजमेंट करनी है या कोई ऐसा काम, हाँ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए प्लॉटर की जरूरत भी नहीं है और कोई रखता भी नहीं है। ठीक है, अब उसमें टाइप्स में कौन सा गया, एक आता है ड्रम, एक आता है फ्लैट बेड, यहाँ पे दो ही लिखे, एक होता है मैं आपको बाकी दो भी आप लिख लें, दो और होते हैं, इंक जेट प्लॉटर भी होता है और कटिंग प्लॉटर भी होता है। ठीक है, अब देखिए ड्रम प्लॉटर होता है, इज अ प्लॉटर दैट यूजेस अ ड्रम रिवॉल्वर टू राउंड द प्रिंटिंग देन द एक्चुअल वर्क। इसमें क्या ड्रम का यूज किया जाता है, ड्रम को रोटेट करते रहते हैं उसके हिसाब से प्लॉटर होता है। अब फ्लैट बेड में क्या होता है, फ्लैट बेड में होता है एक पूरा टेबल टाइप का ऐसे प्रिंटर होगा,
ऐसे होगा, इसके ऊपर यहाँ पे मशीन लगी होगी और यहीं पे हैंड के साथ ना वो जो पेन मैंने बोला पेन और पेंसिल को पकड़ के जो ड्रॉ करते हैं वो पड़ा। आपने उसके ऊपर फ्लैट बेड के ऊपर एक शीट, इस फ्लैट बेड प्लॉटर को ना टेबल प्लॉटर भी बोलते हैं, टेबल प्लॉटर, और इस ड्रम को रोलर प्लॉटर भी बोलते हैं, रोलर प्लॉटर, ठीक है। अब ये एक पूरी मशीन होगी, इसके ऊपर ऐसे लगा लीजिए कुछ भी थिंग का बना होगा, किसी भी मटेरियल का बना होगा, उसके ऊपर ये आर्म होगी जो पेज होगा और वो पेज वहीं पे रहेगा, ये चीज मूव करेगी और वो प्रिंट ऐसे ऐसे निकालते 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 पूरा प्रिंट निकालेगी इसके ऊपर, ठीक है। फ्लैट बेड का ये हो गया, इज अ कंप्यूटराइज्ड प्लॉटर दैट वर्क्स यूजिंग एन आर्म। किसका यूज हो रहा है यहाँ पे, आर्म का यूज हो रहा है, ये आर्म मूव करेगी, ठीक है। लेकिन ड्रम में क्या होता है, ड्रम भी मूव करेगा और साथ में पेज भी मूव होता जाएगा, ठीक है। Moves the pen over the paper rather than having a paper move under the arm as with a drum plotter, ठीक है। और inkjet में क्या होगा, ink का use करके, inkjet में ink का use नहीं करके, इसके through ही करेंगे, लेकिन ink की तरह आप suppose करें कि जैसे ये inkjet plotter में क्या हो जाएगा कि इसका use करेंगे, ये जैसे arm बनी है यहाँ पे pen pencil हो जाएगा, इसको ink की तरह use करके करेंगे आप तो हो जाएगा वो, ठीक है, plotter हो जाएगा। और साथ में तीसरा कौन सा आ गया, चौथा कटिंग प्लॉटर, उसमें किसका यूज किया जाता है, उसमें क्या करेंगे आप, एक जैसे आप बड़े बड़े देखें कटिंग्स की यूज होते हैं, जैसे बड़े बड़े डिजाइन बने होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पूरा एक पेपर है, जैसे आपने कोई ड्राइंग बनानी है, ये बड़ा सा इमेज होगा, ठीक है, उसमें आपने एक कटिंग सी बनानी है या कोई इमेज क्रिएट करनी है कटिंग करके, ठीक है, वो पेन और पेंसिल क्या करेगा, उसकी कटिंग करके ऐसे इमेज बनाएगा, बाकी शीट को आप कट कर देंगे, उस इमेज को ड्रॉ कर देंगे, जैसे ताजमहल बनाना है, ठीक है, कोई माउंटेन का बनाना है, वो उस माउंटेन के ऐसे पहले ड्रॉ करेगा, फिर उसको आप कटिंग करके बाहर निकालेंगे, बाकी पोर्शन को हटा देंगे, फिर इस कटिंग को जहां यूज करना आप कर सकते हैं, ठीक है। इंक जेट का भी आ गया और कटिंग का भी आ गया। अब नेक्स्ट आ गया स्पीकर का, ठीक है, यहां पे हमारा प्लॉटर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया, स्पीकर। देखिए स्पीकर तो हम सबको पता है आउटपुट डिवाइस में आता है, इसलिए क्योंकि कोई भी चीज आपने ऑडियो वीडियो कोई भी चीज सुननी है तो उसके लिए आपको स्पीकर्स की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं, आप कुछ भी कमांड देंगे कंप्यूटर के अंदर, वो आपको इनडायरेक्टली क्या होगा, स्पीकर्स में सुनाई देगा, ठीक है, स्पीकर्स में वो आपको सुनाई देगा, आप समझेंगे उसको, फील करेंगे वो थ्रू स्पीकर ही। अगर स्पीकर नहीं लगा तो आप उसको कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अ कंप्यूटर स्पीकर इज एन आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड। The signal used to produce the sound that comes from a computer speaker is created by the computer's sound card. Sound card क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था कि इस माइक में भी साउंड कार्ड लगा होता है, वो क्या करता है, मेरी साउंड वेव्स को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल में, उसी तरह इलेक्ट्रिकल वेव को चेंज करेगा साउंड वाव में, उस साउंड वेव में उसको क्या बोलते हैं, साउंड कार्ड लगा होगा, वो उसको चेंज करेगा। ये स्पीकर की सबने देखा ही होगा, सबके पास होगा इनफैक्ट स्पीकर, ठीक है। हेडफोन्स भी आपको पता है, इस तरह ये हेडफोन्स होते हैं जो आप कानों में डालते हैं, उनको ईयरफोन्स बोलते हैं। ये हेडफोन्स आ गया, आप कुछ भी प्ले करेंगे यहाँ पे सुनाई देगा, वही सेम आ गया। आउटपुट डिवाइस दैट प्लग इनटू अ कंप्यूटर लाइन आउट और स्पीकर स्पॉट, ठीक है, जो भी आपका वहां पे स्विच का दिया होगा मोड, वहां पे आप इनपुट करेंगे, इसके वायर इनपुट करेंगे, वायरलेस थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे आप वॉच मूवी कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, आप उसको सुन सकते हैं कि कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, साथ में उसको यूज कर, आउटपुट डिवाइस है भी आपके, ठीक है। और साथ में नेक्स्ट आ गया प्रोजेक्टर। अब देखिए प्रोजेक्टर भी मोस्टली सबको पता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, सब जगह यूज होता है, जहां पे आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, अगर गैदरिंग बहुत ज्यादा वहां पे आप उसको डिवाइड क्लासेस में करेंगे तो वहां पे आप प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, ताकि जो पीछे के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर नहीं दिख रहा, बीच में आप प्रोजेक्टर लगाएंगे तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा, जो भी आपका यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसके थ्रू फ्लैश होकर आपकी प्रोजेक्टर स्क्रीन में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स इमेजेस जनरेटेड बाय कंप्यूटर और ब्लू रे प्लेयर एंड प्रोड्यूस देम बाय प्रोजेक्शन ऑन टू अ स्क्रीन wall or another surface, in most cases the surface projected onto is large flat, कैसे होता है वो, लार्ज होता है प्रोजेक्टर, बड़े होते हैं, फ्लैट शेप में होते हैं, बिल्कुल सिंगल पेपर की तरह, पेपर से थिक होते हैं, थोड़े पेपर की तरह उससे ज्यादा थिक होते हैं, इनफैक्ट प्लास्टिक टाइप में होते हैं, जहां पे क्या होता है आपको प्रोजेक्टर उसको इमेज फ्लैश करता है और वहां पे सबको वाइड उसकी इमेज ज्यादा बड़ी हो जाती है और सबको क्लियर भी नजर आता है, ठीक है।
To show a large screen that everyone in this room can see it, projectors can produce either still or moving images. कुछ भी आप कुछ भी यूज करेंगे अगर कंप्यूटर में अगर चला रहे हैं और आप ये चाहते हैं कंप्यूटर की जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो आपके प्रोजेक्टर में शो, वो चाहे इमेज हो, वीडियो हो, स्टिल इमेजेस हो, कुछ भी आप कंप्यूटर में प्ले करेंगे वो एज इट सेम आपका प्रोजेक्टर में शो होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया, आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे और थोड़े तो उसके साथ में कोई भी टॉपिक को साथ में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।